All right guys, good morning. फिलहाल टाइम हो रहा है 11:55, so good morning guys. This is Vinay. Welcome back to my channel Cat is Red with another video. तो भाई मैंने आपको last वाले ब्लॉग में कहा था कि मैं अपने पल्सर बाइक के लिए एक बैग परचेस कर रहा हूँ, जो आपने आई थिंक देख ही लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाई दूंगा. तो राइट साइड पर ऑलरेडी एक बैग लगी हुई है, मुझे एक और बैग की जरूरत थी तो मैंने अमेजोन से इसको मंगा लिया. तो एक्चुअली इसमें दो अलग अलग बैग्स हैं, तो दोनों में से मैं कोई भी एक बैग अपने बाइक पे इंस्टॉल कर लूँगा. देखते हैं दोनों में से कौन से बैग मैं यूज़ करूँगा. ये रही एक बैग. तो ये जो बैग नहीं है, ये बॉटल होल्डर है, तो इसमें आप बॉटल रख सकते हो. और दूसरा रहा ये, तो ये वाली बैग मैंने बाइक को ऑलरेडी लगाई हुई है राइट साइड पर, लेकिन लेफ्ट साइड पर कोई बैग नहीं है. तो दोनों में से मैं एक बैग लगाऊंगा. ज़्यादा करके चांसेस है गाइस कि मैं यही वाली बैग लगाऊंगा, बिकॉज बॉटल होल्डर ऑलरेडी है मेरे बाइक पे. तो वही है, ये दोनों चीज़ें आज इंस्टॉल करनी है, दोनों में से एक चीज़ इंस्टॉल करनी है. उसके अलावा भाई ये रहा एक वाइजर एक्सटेंडर. इसको मैंने पहले भी लगाया हुआ था, लेकिन बीच में मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि कोई ज़रूरत थी नहीं. लेकिन भाई अपनी एक नई राइड आने वाली, सोलो राइड अराउंड 500 किलोमीटर्स की होगी वन साइड, मतलब टोटल अराउंड 1100 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है. तो उसी राइड के लिए मैं ये भी इंस्टॉल करूँगा. कौन सी राइड होने वाली है, कहाँ पर जा रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में या फिर उसके बाद वाले ब्लॉग में पता चली जाएगा. तो उस राइड के भी प्रिपरेशंस करने हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिल जाए. वैसे ये जो बैग है ना गाइस, अपने BMW के नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड जो हिमालयन बाइक है उसके प्रॉपर बैग है ये. बिकॉज पीछे साइड आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रैप्स है ना, उस बाइक के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं. लेकिन फिर मैंने एक बैग ऑलरेडी मेरे बाइक पे इंस्टॉल की थी, तो ये भी इंस्टॉल हो ही जाएगी, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया. ये बताना ज़रूरी था ताकि अगर आपकी कोई और बाइक रही तो उस पर भी इंस्टॉल होना चाहिए. उस हिसाब से आपको अगर लेना है तो देख लो, ठीक है. तो चलो फटाफट करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग. क्या मैंने ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग कर ली, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ. चलो अरे भाई निकल जा. एक्चुअली एक हाथ से फोन पकड़ा है ना मैंने. ये रहे भाई दो बैग जिसके बारे में बात कर रहा था. तो इसमें इजीली एक या फिर 1.5 लीटर की बोतल आ जाएगी और इसमें थोड़ी छोटी बोतल आ जाएगी. तो ये बोतल होल्डर है, बैग नहीं है. और ये रहा प्रॉपर बैग, देख रहे हो. तो ये एक्सटेंड भी होता है यहाँ तक, यहाँ से भी आप देख लो यहाँ तक ये एक्सटेंड होगा. तो अच्छा खासा सामान इसमें आ जाएगा गाइज. और ये नीचे वाला बेस भी देखो आप कैसा है, किस तरीके का है. मतलब ये थोड़ा कड़क है, उसके वजह से सामान आपका हिलेगा नहीं. तो मैं इसको रखने का प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज बॉटल होल्डर मेरे बाइक पे ऑलरेडी लगी हुई है. बट देन वही आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. इसकी प्राइस यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है 699, लेकिन ये मुझे 649 को मिला. और इसकी MRP लिखी हुई है 749, लेकिन ये मुझे 749 को ही मिला. तो चलो देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं. मिलते हैं आपको बाइक पे. सो ये है गाइज वो बैग जो मैंने इंस्टॉल करी थी अपने राइट साइड पे. तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन एक कपड़ा रखता हूँ मैं और बाइक का कवर भी इसमें आ जाता है. ये बाइक का कवर फुल्ली वाटरप्रूफ है. तो सेम ऐसे बैग मैं उस साइड पे भी लगाऊंगा. देखते हैं कि कौन सी बैग मैं दोनों में से लगा दूंगा. और यहाँ पे यार गाड़ी मेरे को ना ठीक से पहले निकालनी पड़ेगी. पहले ये वाली बैग इंस्टॉल करके देखेंगे. ये जो क्रैश गार्ड है उसके हिसाब से ये स्ट्रैप्स हम यहाँ पे लगाएंगे. देखते कि अच्छी लगती है या फिर नहीं. वैसे इसको तो रिटर्न करना ही है, और उसके बाद फिर वो वाली बैग ट्राई करेंगे. तो गाइस ये जो बॉटल होल्डर बैग है कुछ इस तरीके से एकदम प्रॉपरली यहाँ पे फिट आई है. ये तीन स्ट्रैप्स तो लग गए, लेकिन नीचे के जो दो स्ट्रैप्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये लग नहीं रही है बिकॉज वहाँ पे कोई जगह नहीं है. तो ये कुछ इस तरीके की दिख रही है. दिखने में तो काफ़ी सही लग रही है. इसमें बॉटल भी आ जाएगी, बट ये काम की नहीं है. मैं इसको वापस निकाल दूंगा. अभी इस बैग को इंस्टॉल करते हैं. तो यार अभी एक प्रॉब्लम हुई है. ये वाली साइड के बैग में इंस्टॉल कर रहा था, लेकिन ये जो बॉटल होल्डर है उसके वजह से पीछे वाला जो स्ट्रैप है वो इस पर लग नहीं रहा.
इस साइड पे देखो, नीचे वाला जो स्ट्रैप है वो प्रॉपरली उस स्क्रैच गार्ड पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट पॉसिबल। तो ये जो बॉटल होल्डर है इसको मैं अभी निकालूंगा। सो गाइज, फाइनली अपनी बैग लग चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले बॉटल होल्डर था तो मैंने उसको निकाल दिया। ये रहा नीचे, कहा गया ये रहा नीचे, और यहाँ पे मैंने बैग लगा दी। तो अभी दोनों साइड पे बैग सेम सेम लग रही है। ये फिलहाल दिखने में तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप इसको राइड पे लेके जाओगे ना, तब जब इसमें सामान आएगा तब सामने से बाइक का लुक काफ़ी शानदार लगेगा। और भाई, जैसे इस बॉटल होल्डर को मैंने निकाल दिया है, तो यहाँ से निकाल के, ये देख रहे हो यहाँ पे इसका दाग लग गया, तो यहाँ से निकाल के मैं अब इसको यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे, सो दैट जब मैं राइड करूँ तो मेरा पैर भी इस पे लगेगा नहीं और अपनी बॉटल भी यहाँ पे रह जाएगी। तो यार, बहुत मेहनत के बाद फाइनली अपनी बैग भी लग चुकी है और यहाँ पे बॉटल होल्डर भी लग गया। बाकी बाइक का लुक देखो यार, क्या बढ़िया लुक आ रहा है ना। इसको थोड़ा बाहर लेके जाता हूँ मैं, सो दैट ये और अच्छे से दिखे। हाय कर, हाय हाय। तो भाई, बैग इंस्टॉल करते करते वीडियो बनाते बनाते मैं भूल गया, ये वाइजर एक्सटेंडर भी लगाना है। तो देख लो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये मैंने पहले भी लगाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये इंस्टॉल करते हो आप, तो आपका वाइजर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। बट देन ये विंड ब्लास्ट से बचाता है, उसकी वजह से मैं इसको वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि राइड के लिए तैयारी करनी है, तो उसी का ये एक हिस्सा भी है। और आप चाहो तो आप इसको लूज़ भी कर सकते हो, टाइट भी कर सकते हो। लूज़ और टाइट मतलब इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो भाई, अभी मोटो व्लॉग करने का रीज़न ये है कि आपको मोटो व्लॉग करते टाइम भी पता चलेगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अपने एम्पोचर बैग्स बोलते गाइस जिसको, बाय द वे अगर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, तो आपको आइडिया आ जाएगा मोटो व्लॉग करते टाइम ये एम्पोचर बैग्स हमारे दिखते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मोटो व्लॉग किया जाए। वीडियो तो वैसे मैं घर पे एंड करने वाला था, बट देन अपने को बाइक चलाने का बहाना चाहिए था, इसीलिए मैं आ गया हूँ बाहर वीडियो एंड करने के लिए। तो वही है गाइज, अगर आपको भी ये बैग्स पसंद आते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं यार, मतलब मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती है मेरे बाइक के लिए, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों के लिए, उस चीज़ों का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको भी ये बैग्स पसंद आते हैं, आप भी आपके BMW 310 GS के लिए यूज़ कर सकते हो, और हिमालयन के लिए तो आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हो। और इसका परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना। नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। टिल देन, सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।